जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए जवानों को याद करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भावुक हो गए। एक सवाल के जवाब में आतंकवाद को लेकर उन्होंने कहा कि जब दीपक बुझता है तो उससे पहले फड़फड़ाता है और तेज जलने की कोशिश करता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आतंकवाद अब भारत में खत्म होने की कगार पर है। दरअसल सीएम योगी लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के राम प्रसाद बिस्मिल्ला प्रेक्षागृह में भारत के मन की बात कार्यक्रम के तहत युवाओं से सीधा संवाद कर रहे थे। इस दौरान एक छात्र ने उनसे पूछा कि पुलवामा आतंकी हमला जैसी घटनाओं को रोकने के लिए आखिर हमारी सुरक्षा एजेंसियां और सरकार क्या कर रही है जिससे कि इस घटना को रोका जा सके। जवाब देने के क्रम में पुलवामा शहीदों को याद करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए और रोने लगे। उनके आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार इसे खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज आपने वह प्रश्न किया जो सच में आज आम आदमी के मन में है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है यह उसी प्रकार से है जैसे कोई दीपक बुझता है तो तेजी के साथ जलता है। आतंकवाद अब अपने समापन की ओर है। अब इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उसी की एक कड़ी है जिसका हमारी सरकार ने काफी अच्छे रूप से जवाब दिया, परंतु ये चेन ऑफ इवेंट्स की तरह इमर्ज करके आ रहा है। हमला होता है, हम लोग उसमें कार्यवाही करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद वो चीजें पहले जैसे सामान्य हो जाती हैं। तो आपकी सरकार ऐसा क्या कर रही है जिससे कि इस समस्या का समूल रूप से खत्म कर दिया जाए? आदित्य जी, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कार्यक्रम में एक वह प्रश्न किया जो सचमुच देश के आम जन के मन में वर्तमान में है। एक बात तो मान करके आप चले कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है यह उसी प्रकार से है जैसे कोई दीपक जब बुझता है तो तेजी के साथ जलता है। यह आतंकवाद अब अपने समापन की ओर है और इसको पूरी तरह समाप्त करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ जो व्यापक मुहिम छेड़ी है उसमें यह एक उन लोगों के मन में जो द्वेष है उस भावना के साथ उस घटना वहां घटित हुई। लेकिन हम सबको इस बारे में देखना चाहिए कि हमारे 72 जवानों ने 48 घंटे के अंदर ही इसका मास्टरमाइंड जो था उन सभी आतंकवादियों को पुलवामा के अंदर ही मार गिराया। इसके अलावा मुझे अभी हो सकता है कि ये चीजें बहुत उम्र हो, लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि कल ही रात्रि में एक ऑपरेशन हम लोगों ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर किया है और पुलवामा से जुड़े हुए कुछ ऐसे लिंक मिले थे जिसको लेकर के एक बड़ा ऑपरेशन हम लोगों ने यूपी में किया है रात्रि में। उसका मुझे लगता है अभी बहुत चीजें सामने नहीं आ पाई है ना, अभी हम लोग बहुत उसका रहस्य उद्घाटन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप ये मान करके चलिए कि आतंकवाद का यह अंतिम वो चल रहा है और आतंकवाद को पूरी तरह मोदी जी के नेतृत्व में देश समाप्त करके रहेगा।